इस वाली वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वाली वीडियो ना मैं बहुत बहुत डर के बना रहा हूँ भाई, बहुत डर लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूँ एजाज भाई की नगरी में। उनने बोला था मुंबई में मेरे से सॉरी बुलवाएंगे, कटारी से सॉरी बुलवाएंगे, जितने भी यूट्यूबर है सबसे सॉरी बुलवाएंगे। ये शेर कर रहे थे भाई, पहले तो ये बताओ शेर घर पे आया था या घर से कोई जंगल में गया था, जो बोल रहे थे ना कुत्ते और शेर वाली बात, या फिर घर पे आया था शेर, वो वाला वो मैच नहीं करता। तुम्हारी कितनी औकात है और किसकी क्या है सबको समझ में है, तो ये इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे भौंकना थोड़ा बंद करो। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एलविश यादव इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आए दिन उनका नाम ट्रेंड में रहता है, कभी किसी संग एलविश यादव पंगा ले लेते हैं तो कभी किसी को धमकी देते नजर आते हैं। वही अब सुनने में आ रहा है एलविश यादव ने अभिनेता एजाज खान से माफी मांग ली है। जी हाँ, दरअसल एलविश यादव और एजाज खान के बीच अनबन चल रही थी और अब एजाज खान ने बताया है कि एलविश यादव ने उनसे माफी मांग ली है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है, आइए चलिए आपको बताते हैं। एजाज खान का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एजाज खान ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि एलविश यादव ने उनसे माफी मांगी है। एजाज खान वीडियो में कह रहे हैं, एलविश यादव ने मुझसे माफी मांग ली है और बोला है कि भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, मुंबई में हम मिलेंगे और वीडियो भी बनाएंगे। मैंने बोला उससे कि अपने फैन लोग को समझा ले, थोड़ा ज्यादा गाली गलौज कर रहे हैं। बता दे कि एलविश यादव और एजाज खान के बीच अनबन चल रही थी। एजाज खान ने एलविश को धमकी दी कि जब वे मुंबई आएंगे तो एलविश से सॉरी बुलवाएंगे। भाई जब एलविश यादव मुंबई आए हुए थे तो उन्हें एजाज खान के लिए कहा कि वो मुंबई में है, उन्हें एजाज खान से डर लग रहा है क्योंकि ये एजाज खान की नगरी है। वही यह भी बात सामने आ रही है कि एलविश यादव ने एजाज खान से माफी नहीं मांगी, बल्कि एजाज लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एलविश यादव के दोस्त रजत ने वीडियो शेयर कर बताया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने एजाज से माफी नहीं मांगी और ना हम कभी माफी मांगेंगे। एजाज ने कहा, तो यारो वो रजत दलाल ने माफी मांग ली, उसने भी सॉरी बोला है, कहा एजाज भाई तुम मेरे बड़े भाई हो। एलविश यादव ने भी साथ साथ माफी मांगी, माशाल्लाह, वो बोला है कि तुम मेरे बड़े भाई हो, बोला है मुंबई में हम मिलेंगे वीडियो भी बनाएंगे। तो मैंने बोला तेरे फैन लोग को समझा ले, ज्यादा गाली गलौज ना करे, उस चक्कर में तू तकलीफ में आ जाएगा। तो उसने, भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, फैन लोग कर रहे हैं। वही एक वीडियो भी दोनों का सामने आ जाए, एलविश ने एजाज को कहा इस वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत डर से बना रहा हूँ, काफी डर लग रहा है क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूँ, एजाज भाई की नगरी है। उन्होंने कहा था कि मुंबई में मेरे से सॉरी बुलवाएंगे और कटारिया से और सभी यूट्यूबर से बुलवाएंगे, दिल्ली में वहाँ मिले तो वहाँ पकड़ेंगे, मुंबई में मिलते तो वहाँ और हरियाणा में भी पकड़कर सॉरी बुलवाएंगे। इसके बाद एलविश ने कहा, एजाज भाई ने हमें खुली धमकी दी, तो बता दे कि हम हर जगह अपनी लोकेशन डालते हैं, इनके पास कोई काम हो तो ना बस इंस्टाग्राम पर हवाबाजी कर ले कि ये दूंगा वो कर दूंगा, फिर सो जाओ, मेरे अकाउंट पर रील डालने के पैसे लगते हैं, ये मैं फ्री फंड में डाल रहा हूँ, कितना नाम मिल गया इसे, तुम्हारा करियर है, काम करो पैसा कमाओ, किसी को गाली गलौज करके क्या मिल जाएगा, आखिर वीडियो में हमारी अब हम नहीं बनाएंगे।